मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों बहनों, मैं आरपी सिंह आज आपसे कुछ काम की बातें करने आया हूं। आज पढ़ने की बातें हम लोग नहीं करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इस समय एग्ज़ाम को लेकर बातें करनी है, आप सरकार से बात कुछ करनी है, जवाब मांगना है उनसे कि इस विषम परिस्थितियों में आपका NTPC का एक फॉर्म भरवाया, 2.5 करोड़ बच्चे लगभग फॉर्म भरे हैं, SSC का एग्ज़ाम समय से नहीं ले रहे हैं, ये बस फॉर्म भरवा दे रहा हूँ, चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव नज़दीक में आए तो जाके जो है कि उसका एग्ज़ाम की बातें करेंगे। जवाब मांगने मिलता है कि अभी कोई एजेंसी नहीं मिल रही है कि हम एग्ज़ाम करवा लें, तो किसके बल पे आपने फॉर्म निकाला? अभी देश में चुनाव की बात आ जाएगी, इनकी भी सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी और बड़े आराम से चुनाव हो जाता है, तब लोग आदमी कहाँ से मिलते हैं? अभी इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का फॉर्म निकालना होता है, एग्ज़ाम करवाना रहता है, तो बड़े आराम जैसे एजेंसियाँ मिल जाती हैं, और इस तरह की वैकेंसी के लिए ये बहानाबाजी करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनको इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे देश में हो रहा है। बस मन की बातें करते हैं, काम की बातें नहीं करते। अभी जल्दी भी मन की बातें उन्होंने किया, उसमें खिलौना बनाने की बातें कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी हम लोगों को पढ़ाने की, वैकेंसी निकालने की और फॉर्म भरवाने की? शुरू से ही आप ट्रेनिंग दिए होते कि आपको आत्मनिर्भर बनना है और खिलौना बनाना और इस तरह के काम करना है। एक मीडिया का सहारा रहा करता था कि जो भी सरकारें गलत काम करती थी, मीडिया सामने आके उसका विरोध करती थी, लेकिन वो भी एक सहारा बेकार हो गया और मीडिया आज की दलाल हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि करीब 1-2 सप्ताह से जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है, उस पर दिन रात 24 घंटा होता, उसमें 23 घंटा जो है देर रात उन्हीं का दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए वहाँ की जनता को खुश करने के लिए ये सब ड्रामेबाजी किया जा रहा है। ऐसे जैसे सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, ऐसे रोज़ मर्डर हुआ करते हैं, और अब बच्चे तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं कि 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, घर वाले उनको प्रेशर कर रहे हैं, इस स्थिति में पढ़ने का क्या फ़ायदा? इसलिए इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उनके कानों तक पहुँचे और इस पर वो ज़रूर विचार करें, अन्यथा आगे चल के जब यही युवा उनको जो है गद्दी बैठाया, तो यही युवा जो है उनको सबक सिखाने की क्षमता भी रखता है। वो बात करते हैं एक देश और एक रूल की बात करते हैं, कैसा ना कहाँ का नियम है, कहाँ एक देश एक रूल है? सभी बाजार हैं, सब जगह सब कुछ ओपन हो गया है, बच्चों को पढ़ने का, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद चल रही है, 6 महीने से लगभग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, परेशान हैं, सब कुछ सब जगह कोरोना नहीं पकड़ रहा है, कोचिंग में कोरोना पकड़ रहा है। अभी आपने देखा लॉकडाउन 4 का नियम आया हुआ है कि 100 लोग सभाएं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, 100 लोगों को कोरोना नहीं पकड़ेगा, कोचिंग में 30-35 बच्चे बैठते हैं तो क्या वहाँ कोरोना पकड़ लेगा? सब कुछ अपने हक के अब की बातें ये लोग करते हैं। तो यही है कि जो हमारे जो दलाल मीडिया, इसमें नया नाम दलाल मीडिया का रखा गया है, जो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा जो है कि ये मीडिया बस सरकार की बातें बार बार दिखाती रहती है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है हर चैनल को, मीडिया वालों को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि ये सरकार की कठपुतली हैं और ये लोग बिक चुके हैं। जो सरकार को अच्छी बातें लगेगी वही दिखाएंगे, और जो ख़राब बातें होंगी जिससे सरकार परेशान होगी उसको ये लोग दिखाने वाले नहीं हैं। बस यही संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं और बच्चों से बताना चाहते हैं कि आप भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, अन्यथा इससे बढ़िया आप भी अगर अपनी बातें रख सकते हैं तो आप खुद का वीडियो बनाइए, खुद अपनी बातों को शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि 2 से 3 दिन के अंदर में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन तक ये बातें जाएँ। और इस देश को बचाना है तो आपको कुछ ना कुछ इस टाइम करना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार जो है एक अपंग बना के रख देगी और एक तानाशाह की तरह काम करेगी जैसे हिटलर। अभी देख रहे हैं यूपी में भी चुनाव आने वाला है, हम तो आज 10 साल से पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं जब चुनाव आता है तब UPP की वैकेंसी आती है। अभी वैकेंसी नहीं, बस सुना रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, कब तक 2022 के पहले वैकेंसी आएगी और फॉर्म भरा जाएगा और एग्ज़ाम की भी बातें होंगी, लेकिन बोल देंगे कि अभी तो आचार संहिता चल रही, कैसे एग्ज़ाम होगा? तो क्यों? इसलिए कि फॉर्म बच्चे दे के फंस जाएंगे और उनको वोट देंगे, ना दूसरी सरकार आएगी तो उनका फॉर्म कैंसिल कर देगी। तो ये इनका खेला है, 5 साल के अंदर में 50-40 हज़ार वैकेंसी क्लियर कर पाते हैं। अभी हम तो 5 साल से देख रहे हैं आपका ये लेखपाल, UP लेखपाल की भर्ती
का नोटिफिकेशन कितनी बार आया, कितनी बार गया, नौटंकी जैसे होता है वो नौटंकी का खेल खेलते हैं लोग। वैकेंसी निकाल के फॉर्म भर के बोलते हैं गलत फॉर्म निकल गया, गलत आरक्षण है, कुछ खेल नहीं, बस इनका खेल है चुनाव का मकसद। अभी चुनाव आज देखिए धड़ल्ले से सब वैकेंसी भी निकलेगी, सब एकदम लाइन पटरी पर आ जाएगा इनका। और जैसे आप लोग देख रहे हैं हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का क्या मतलब है? प्राइवेट सब कुछ कर देंगे, अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं रह जाएगी। बच्चे इतना तीन तीन चार चार साल से पढ़ाई कर रहे हैं उस टेंट पे, तो आप उसको छोड़ के चले प्राइवेट जॉब के बारे में तैयारी करें। ठीक है, बस इतना ही बातें करनी थी आपसे, और जितना से ज़्यादा शेयर करना हो शेयर करिए, और अपनी भी बातों को बोलना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से मीडिया का साथ सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और अपनी बातों को फैलाइए, और इतना फैलाइए कि उनकी कान तक ही पहुँच जाए, और इस पर उनको मजबूरन कुछ एक्शन दो चार दिन के अंदर में लेना पड़े, नहीं तो अन्यथा वो जानते हैं कि बस अपना हम फैसला लेते जाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, और अपने मन की बातें करना चाहेंगे, दूसरे के मन की बातें वो नहीं सोचेंगे। इसलिए काम की बातें करिए और काम की बातें में बातों पर विश्वास रखिए।